नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। तैयार हो जाइए करंट अफेयर्स के बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए। आइए देखते हैं करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? तो ये जो राज्य है दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने प्रथम श्रेणी में यह पुरस्कार जीता है। याद रखिएगा, प्रथम श्रेणी में यह पुरस्कार जीता है। और ये जो इसने पुरस्कार जीता है, सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करने के लिए पुरस्कार इसने जीता। याद रखना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का मैक्सिमम यूज करने के लिए पुरस्कार इसने जीता है। और अगर दूसरे नंबर की बात करें, सेकंड नंबर पे संयुक्त रूप से हैं, एक तो आपके असम और छत्तीसगढ़, संयुक्त रूप से इन्होंने ये जीता है दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर की बात करें, तीसरे नंबर पे उड़ीसा और तमिलनाडु ने संयुक्त रूप से ये पुरस्कार जीता है। और आपको बताया था, ये जो पुरस्कार दिया जाता है, ये दिया जाता है पंचायत राज दिवस को ये पुरस्कार दिया जाता है। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा हो तो आपको बताया गया था पंचायत राज पुरस्कार कब दिया जाता है, 24 अप्रैल को। इस बार चार श्रेणी के पुरस्कार दिए गए थे, एक तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत शक्तिकरण, और नानाजी देशमुख ग्राम गौरव पंचायत विकास पुरस्कार, और पंचायत पुरस्कार, राइट, चार श्रेणी में। और पहली बार हुआ है जो 5 लाख से 50 लाख तक की राशि सीधे विजेताओं के खाते में स्थानांतरित की गई है 2021 में। याद रखिएगा दोस्तों, ये इसमें देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश ने ये जीता, राइट, उत्तर प्रदेश विंस ई पंचायत पुरस्कार 2021, आदित्यनाथ योगी जी की फोटो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संगठन द्वारा हेलीकॉप्टर के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्निक विकसित की गई है? याद रखना, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड, ये जो ब्लेड है दोस्तों, ये बनाई है डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट, ये बनाई है डीआरडीओ ने, और ये बनाई गई है एचएएल के लिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसको इसकी आपूर्ति की जाएगी। ये क्या करेगा, हेलीकॉप्टर के इंजन को गर्मी में भी सुरक्षित रखेगा। याद रखना, और 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान को सहने पर भी काम करे, 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी ये काम करेगा, तापमान को भी ये बर्दाश्त करेगा। याद रखना, और भारत अब दुनिया का पांचवा देश हो गया, इसका उपयोग करने वाला दुनिया का पांचवा देश, याद रखिएगा। तो किसने बनाया, ये डीआरडीओ के बारे में आपको बताया गया। तो दोस्तों, कहां इसका मुख्यालय, दिल्ली में, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में, बीएल मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में, एचएएल का मुख्यालय भी है बेंगलुरु में। ये किसने बनाया दोस्तों, डीआरडीओ, राइट, ये इस एचएएल को इसकी आपूर्ति करेगा, 300 क्रिस्टल ब्लेड की आपूर्ति एचएएल को करेगा, गर्मी में अधिकतम क्षमता के लिए, गर्मी में सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा, और 500 डिग्री तक के तापमान को सहन करने में, मतलब बर्दाश्त करने में मदद करेगा। क्रिस्टल कौन सी है, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड, राइट, ये देख लीजिए, ये आपकी मेक इन इंडिया डीआरडीओ बोस हेलीकॉप्टर इंजन डेवलपमेंट, हेलीकॉप्टर के इंजन के लिए है सिंगल ब्लेड, याद रखिएगा, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड, राइट, ये दी जाएगी एचएएल को, राइट, गर्मी में इंजन की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी सैन्य खर्च डेटाबेस रिपोर्ट के अनुसार सेना पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश,
देखो दोस्तों, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट, इसको सिप्री के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा सिप्री। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1966 में और इसकी स्थापना हुई थी स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम किस देश की राजधानी है दोस्तों? ये राजधानी है स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी, याद रखना स्वीडन की राजधानी, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। दोस्तों पहले भी आपको बताया गया था, मुद्रा है इसकी क्रोना और इसको नोबल सिटी भी कहा जाता है, नोबल पुरस्कार दिए जाते हैं यहाँ पे, राइट। और इसमें पूछा गया सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है अमेरिका, पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे नंबर पर है चाइना, तीसरे पे भारत, चौथे पे रशिया और पांचवे की बात करें तो यूके यूनाइटेड किंगडम। ये पांचों देश मिला के पूरी वैश्विक खर्च का, पूरे वैश्विक सैन्य खर्च का 62% खर्च करते हैं। वैश्विक सैन्य खर्च का, वैश्विक सैन्य खर्च का 62% खर्च करते हैं, याद रखना खर्च करते हैं, राइट, याद रखिएगा। तो कौन सा देश है? अमेरिका, राइट, अमेरिका। भारत को कितने नंबर पे? तीसरे नंबर पे। ये देखिए, ये खर्च करने का पूरा एक डेटा बनाया गया है 1900, ये है आपका 1990 से, ये देखिए, ये है आपका 1990 से 2020 तक का ये पूरा डेटा, किस तरीके से ये खर्च हो रहा है, कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है। उसमें अलग अलग कंट्री भी, जैसे कि पूरा व्हाइट है तो अफ्रीका, लाइट अगर कलर है तो अमेरिकन कंट्री, फिर एशियन ओशन कंट्री, फिर यूरोप, फिर मिडिल स्टेट, तो इस प्रकार से पूरा बताया गया है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, किसे एनसीडीएस का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है? इनका नाम है अरुण रस्ते। एनसीडीएस ध्यान रखना दोस्तों, एनसीडीईएक्स, नेशनल कॉमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 2003 में, वायदा बाजार बोल सकते हैं उसका, वायदा बाजार 2003 इसकी स्थापना मुंबई में, राइट। इसके जो बनाया गया अभी हाल ही में अरुण रस्ते को इसका एमडी और सीईओ बनाया गया है। ये आपके अरुण रस्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 29 अप्रैल को। इसका विषय याद रखिएगा, इसका विषय नृत्य का उद्देश्य और इसको इंग्लिश में पर्पस ऑफ डांस याद रखिएगा, पर्पस ऑफ डांस। और इसको जो बनाती है वो यूनेस्को की भागीदार वो है इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट जिसकी स्थापना हुई थी 1948 में, राइट, और इसका मुख्यालय है पेरिस में, राइट। तो इसके द्वारा ये बनाया जाता है, यूनेस्को बताया था आपको, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। ये मनाया जाए दोस्तों कब? 29 अप्रैल को, अंतरराष्ट्रीय डांस दिवस, इंटरनेशनल डांस डे, राइट। देखो दोस्तों, वैसे डेज तो बहुत सारे आपको मिलेंगे, लेकिन जो मेन डेज होंगे ना, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल से भी बताऊंगा, और जो कॉमन डेज होंगे तो उसमें मैं नॉर्मली आपको बस केवल डे बता दूंगा और उसके विषय बता दूंगा, राइट। काफी सारे डेज होते हैं तो आपको ज्यादा डेज याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ध्यान रखना जब भी आपके एग्जाम हो उसके 3 महीने आगे के और 3 महीने के पीछे के डेज आपको ध्यान रखने, राइट। देखिए, इंटरनेशनल डांस डे, ये आपका इंटरनेशनल डांस डे, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश द्वारा रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 लॉन्च किया गया है? ये एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है ओरिजन स्पेस।
याद रखिएगा। और ये जो काम करेगा ये गहरे अंतरिक्ष में खगोलीय पिंडों का निरीक्षण करेगा, गहरे अंतरिक्ष में खगोलीय पिंडों का निरीक्षण, खगोलीय पिंडों का निरीक्षण करेगा और अंतरिक्ष से मलबे को हटाएगा, और अंतरिक्ष से मलबे को हटाएगा, अंतरिक्ष से मलबे को हटाने का कार्य, अंतरिक्ष से मलबे को हटाने का कार्य याद रखिएगा। और ये देश का नाम है चाइना, चाइना की एक स्टार्टअप कंपनी है ओरिजिन स्पेस, याद रखिएगा दोस्तों देश का नाम है चाइना, राइट। तो इसमें चाइना ने एक बनाया, चाइना की कंपनी ओरिजिन स्पेस ने ये बनाया है, देख लीजिए ये आपका ये प्रोटोटाइप रोबोट, ये इस प्रकार का ये प्रोटोटाइप रोबोट है, ये पूरा निरीक्षण करेगा और जो अंतरिक्ष स्टेशन में मलबा पीछे छूट जाता है उसको हटाने के लिए काम करेगा, याद रखना NEO-01। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, भारत का स्थान है 49वां, याद रखना दोस्तों भारत का स्थान है 104 में से 49वां, कितने में से 104 में से। अब ये जो रिपोर्ट है ये इसकी जो मुख्यालय ये है आपका सिंगापुर में, ये है सिंगापुर में, और ये रिपोर्ट तैयार की जाती है गुड गवर्नमेंट, इसके अंदर जो लिए जाते हैं आधार लिए जाते हैं, जो बेस लिया जाता है उसके अंदर होता है, उसके अंदर होता है मजबूत कानून, स्ट्रॉन्ग लॉ, मजबूत कानून और वित्तीय नेतृत्व, फाइनेंशियल लीडरशिप, वित्तीय नेतृत्व, फाइनेंशियल लीडरशिप नेतृत्व, और होता है आपका लोगों का उत्थान, मतलब पब्लिक डेवलपमेंट, लोग उत्थान आदि के आंकड़े लिए जाते हैं इसके अंदर आदि, उसके आधार पर यह तैयार किया जाता है, याद रखिएगा। इसका चांडलर गुड गवर्नमेंट, इसका जो मुख्यालय है वो है सिंगापुर के अंदर, राइट। और अगर पहले नंबर पे पूछे तो फर्स्ट नंबर पे इसमें फिनलैंड, फर्स्ट नंबर पे फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी याद रखिए दोस्तों हेलसिंकी, हेलसिंकी, और मुद्रा है यूरो, और मुद्रा है यूरो। और अगर 104वें नंबर पे पूछे तो 104वें नंबर पे वेनेजुएला, वेनेजुएला इसकी कैपिटल है कारकस, इसकी कैपिटल है कारकस, कारकस इसकी मुद्रा है कारकस, राइट। और सॉरी इसकी राजधानी कारकस, और अगर मुद्रा पूछे, मुद्रा याद रखिएगा दोस्तों बॉलीवर, राइट। तो 104वें नंबर पे पूछे तो इसमें देखा जाता है मजबूत कानून, वित्तीय नेतृत्व, तो लोगों का उत्थान आदि, और भी मेजर लिए जाते हैं पर मैंने आपको मेन मेन बताया, उसके आधार पर ये तैयार की जाती है। इसमें कुछ एक कंट्रीज जैसे टॉप 10 कंट्रीज बता देता हूं मैं आपको, देखिए तो इसमें ध्यान रखिएगा जो टॉप 10 कंट्रीज की बात है, फिनलैंड इसमें टॉप पर है, फिनलैंड याद रखिएगा टॉप पर है, सेकंड पे स्विट्जरलैंड, थर्ड पे सिंगापुर, राइट। और इसमें अगर देखेंगे ये टॉप 20 कंट्रीज है, 20वें नंबर पर है बेल्जियम, चांडलर गुड गवर्नमेंट रिपोर्ट 2021 रैंकिंग, और इंडिया का रैंक आपको बताया दिया था, इंडिया की रैंक कितनी है दोस्तों 49, कितने में से 104 में से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, इनका नाम है डॉक्टर कृति के करण। तो ये जो अवार्ड दिया जाता है ये दिया जाता है वाइल्ड एनिमल एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा, वाइल्ड एलिमेंट फाउंडेशन द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, याद रखना वी अवार्ड दिया जाता है, ये नव प्रवर्तकों को दिया जाता है, नव प्रवर्तकों को यह पुरस्कार दिया जाता है, नव प्रवर्तक पुरस्कार। इसमें तीन दृष्टिकोण लिए जाते हैं, तीन दृष्टिकोण इसके अंदर लिए जाते हैं जलवायु के लिए, तीन दृष्टिकोण इसमें लिए जाते हैं, तीन दृष्टिकोण में पशु प्रकार, पशु प्रकार, मानव जाति, मानव जाति और पौधों के प्रकार, और पौधों प्रकार, पौधों के प्रकार, पौधों के प्रकार आदि को इसके अंदर लिया जाता है, ये दिया जाता है वाइल्ड एलिमेंट फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। वैश्विक स्थिरता और संरक्षण
के को पहचानने के लिए। ये दिया जाता है वैश्विक स्थिरता, वैश्विक स्थिरता और संरक्षण को पहचानने के लिए, और संरक्षण को पहचानने के लिए, को पहचानने के लिए ये दिया जाता है। राइट दोस्तों, याद रखिएगा वैश्विक स्थिरता और संरक्षण को पहचानने के लिए किसको दिया गया है? डॉक्टर कृति के करंत को। राइट, पहली महिला ही है वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड, ये देख सकते हैं डॉक्टर कीर्ति के करंत। ये जो हैं कीर्ति के करंत, ये चीफ कंजर्वेशन साइंटिस्ट हैं, ये हैं आपकी चीफ प्रमुख संरक्षण वैज्ञानिक हैं आपकी बेंगलुरु के अंदर, जो सेंट्रल वाइल्ड स्टडीज के अंदर आता है, जो जिसको सेंट्रल वाइल्ड स्टडीज जिनको दिया गया है, कहाँ की है? बेंगलुरु के अंदर। और ये अवार्ड दिया गया है वाइल्ड एनिमल फाउंडेशन द्वारा, अवार्ड दिया जाता है इनोवेटर्स को दिया जाता है, एडवोकेटर्स पार्टनर्स को दिया जाता है। राइट, आइडेंटिफाई मतलब उसकी पहचान के लिए। राइट, तो ये किसको दिया गया है? कीर्ति करण, दिया रखना, पहली मेल, इंडियाज फर्स्ट वुमेन टू गेट वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज दास का संबंध किस क्षेत्र से था? ये आपके ओडिशी, ओडिशी और अंग्रेजी, अंग्रेजी लेखक थे। हाल ही में इनका निधन हो चुका है, इनको 2001 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2020 में दिया गया था पद्म भूषण, याद रखिएगा पद्म भूषण। राइट, ये थे आपके एक लेखक, हाल ही में इनका निधन हो चुका है, ये थे आपके। राइट, मनोज दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश का पहला शहरी सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बोलते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, याद रखिएगा ये 100% राज्य सरकार के बैंक होते हैं, 100% राज्य सरकार का इनके ऊपर नियंत्रण होता है। राइट, कौन सा है जिसने भारत में एक लघु वित्त बैंक के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है? लघु वित्त बैंक आपको बता दूं दोस्तों, पहले भी आ चुका है, फिर बता देता हूं, लघु वित्त बैंक इसमें क्या होता है, आरबीआई द्वारा इसके लाइसेंस की जो वैलिडिटी है, लाइसेंस की जो वैधता है वो है 18 महीने, याद रखिएगा। और इसमें जो लाइसेंस की कोस्ट है, लाइसेंस की जो कीमत है वो है 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए 18 महीने तक। पहले 100 करोड़ थी, पहले थी ये 100 करोड़, लेकिन अब इसको कर दिया गया है 200 करोड़ रुपए 18 महीने तक। ये आरबीआई इसको देखता है कि अपने बैंक के काम को सही करता है कि नहीं करता है, उसके बाद इसको आगे रिन्यू किया जाता है। और ये क्या होता है, ये जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनका एक छोटा संस्करण होता है, वाणिज्यिक बैंक का छोटा संस्करण, छोटा संस्करण। ये वाणिज्यिक बैंक भी, ये बड़े लेवल के वाणिज्यिक बैंक भी बन सकते हैं, याद रखिए। कौन सा बैंक है? ये है आपका शिवालिक स्मॉल बैंक। कहां का बैंक है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा यूपी। राइट, इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा यूपी, उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर। ये पहला ऐसा सहकारी बैंक है जिसको लघु वित्त बैंक का लाइसेंस दिया गया। ये कौन देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई द्वारा ये लाइसेंस दिया जाता है, याद रखिएगा। किसने दिया है? आरबीआई गिव प्रिंसिपल नोट शिवालिक मर्केंटाइल टू कन्वर्ट SFB, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको कहा जाता है स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्त बैंक। राइट, शिवालिक बैंक को। राइट, ये थे दोस्तों अब तक के 10 बेहतरीन क्वेश्चन। चैनल के साथ बने रहिए और जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।